हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज 1.1। सिक्स का हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मेरे पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर 1.1। सबसे पहले हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है कैसे। 1 लाख किसके इक्वल है? 10,000। अब 1 लाख देखो, सबसे पहले हमने 1 लाख नोट किया, ठीक है। कैसे हम देखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख। ये क्या हो गया हमारे पास? 1 लाख। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? 10,000 कितने टाइम्स होगा? तो उसके बाद हम किसको नोट करेंगे? 10,000 को। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब अगर हम 10,000 की किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए? 1 लाख। तो उसके हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 10 से। इसीलिए हमने क्या लिखा? 10,000 की 10 टाइम्स है हमारा 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मिलियन। अब मिलियन आ गया हमारे पास, तो हमें पता है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से है 1 मिलियन। 1 मिलियन को हमने पहले नोट किया कि 1 मिलियन को हम कैसे लिखेंगे। ऐसे हम 1 मिलियन को नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू, कैसे चलते हैं हम, वंस, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? थाउजेंड, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? मिलियन, ठीक है। अब 1 मिलियन है इसीलिए हमने क्या लिखा? 1 मिलियन। अब 1 मिलियन को हमें कन्वर्ट करना है 100,000 में। 100,000 को नोट किया हमने, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वंस, टेंस, हंड्रेड, और ये हमारे पास क्या हो गया? थाउजेंड के लिए हो गया। तो 100,000 और उसकी किससे मल्टीप्लाई करें अगर हम 10 से, तो किसके इक्वल होगा? 1 मिलियन के। इसीलिए हम क्या बोल देंगे? 100,000 है वो कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स। नेक्स्ट है 1 करोड़। 1 करोड़ को किस में कन्वर्ट करके दिखाना है? 10 लाख में। पहले हमने क्या लिखा? 10 लाख नोट करेंगे, 1 करोड़ नोट करेंगे। 1 करोड़ को हमें ब्रेक करना है किस में? 10 लाख में। 1 करोड़ को हमने ब्रेक किया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और लाख, 10 लाख। 10 लाख बन गया हमारे पास। अब इसकी हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? इसके लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है, 2, 4, 6। 6 जीरोज है हमारे पास, इसके अंदर कितनी है? 2, 4, 6, 7। 7 जीरोज है, इट मीन्स हमें किससे करना है? 10 से। एक जीरो और आनी चाहिए ना हमारे पास एक्स्ट्रा, उसके लिए हमने क्या कर दिया? एक जीरो इंक्लूड करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है 1 करोड़। 1 करोड़ किसके इक्वल है? कितने मिलियन के इक्वल है? पहले हमने किसको नोट किया? 1 करोड़ को नोट किया, उसके बाद हमने मिलियन को नोट किया। मिलियन को हम कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड, और ये हमारे पास तीनों किसके होते हैं? थाउजेंड के, और ये हमारे पास किसका होता है? मिलियन का। ये 1 मिलियन हो गया। अब इसके किससे मल्टीप्लाई करें? वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, 4, 3, 7 जीरोज है, यहाँ कितने जीरोज हैं? 6। तो इससे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 मिलियन। नेक्स्ट है 1 मिलियन। अब 1 मिलियन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? 1 मिलियन। इसको हम लैक में कन्वर्ट करना है, कितने लैक में? ये हमने लैक के लिए नोट कर लिया। अब इसके किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो हमारा किसके इक्वल होगा? 1 मिलियन के। इसीलिए हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? 10, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द नंबर्स एंड प्लेस कॉमास करेक्टली। जो हमें दिया हुआ है उनको नंबर्स में नोट करना है और करेक्टली कॉमास लगानी है हमें। फर्स्ट है हमारे पास 73,75,307। हमने स्टार्टिंग से शुरू किया बेटा, 73 लाख। सबसे पहले हमने क्या लिखा? 73 लाख। उसके बाद हमारे पास क्या है? 75,000। नेक्स्ट है 307। अब हम क्या करेंगे? 300, और उसके अंदर फिर क्या करना है हमें? 7। अब देखो टेंस प्लेस का कोई जिक्र नहीं है, तो इसको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 307। क्या लिख दिया? 307। फिर हमें कॉमास लगाने हैं। अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ी तो हम इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि किस में है? इंडियन सिस्टम में, क्योंकि लैक के करोड़ ये हमारे किस में आते हैं? इंडियन सिस्टम में। और इंडियन सिस्टम में हम कॉमास कैसे लगाते हैं? लास्ट 3 डिजिट हमारे पास क्या होते हैं? यूनिट पीरियड होता है, उसके बाद हमारे पास थाउजेंड आता है, उसके बाद हमारे पास लैक आता है। तो इसके अकॉर्डिंग 3, फिर 2 के बाद कॉमास लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 9 करोड़
5,41,009 crore. अब 9 लिख लिया हमने करोड़ के लिए, 5 लाख, लाख के लिए हमारे पास कितने होते हैं, दो प्लेसेस होते हैं, लेकिन इन्होंने किसके लिए दिया, सिर्फ वन प्लेस के लिए दिया। अगर हम 5 तो दे रखा है आपको, टू प्लेस भरने हमें लाख के लिए, अगर बेटा हमने यहाँ पे जीरो लगाया तो 50 हो जाएगा, वो तो 5 नहीं है, लेकिन इससे अगर हम आगे जीरो लगाएंगे तो ये क्या रहेगा, फिर भी हमारे पास 5, इसलिए हमने 5 लाख को क्या लिखा, 0,5। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, 41। अब 1000 के दो प्लेस और एक प्लेस 100 का, ये आपके पास से कुछ भी नहीं दे रखा तो सभी पे क्या लिखेंगे, दोनों प्लेस 1000 के 0 और ये 100 का भी 0, और हमारे पास लास्ट में क्या है, 41। ठीक है, कॉमास हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, 1, 2, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। नेक्स्ट है 7,52,21,302। 7 करोड़ के लिए क्या लिखा, 7,52 लाख, दोनों डिजिट फेल है, 52 लिख दिया हमने। 21,000, 21,000, 302, 302, आपको पता है कैसे लिखते हैं हम, 302। अब कॉमास कैसे लगाएंगे, 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, उसके बाद जितने बचते हैं 1 है या 2 है। नेक्स्ट है 58 मिलियन, मिलियन बिलियन जब भी आ जाता है तो हम किस में आ गए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। 58,423,202, हमारे पास पहले क्या दे रखा है, 58 मिलियन, सबसे हमने पहले क्या लिखा, 58,423,202, और हमारे पास जब इंटरनेशनल सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं, 3-3 पे कॉमास लगाते हैं, तो 3 के बाद कॉमास, उसके बाद फिर 3 के बाद कॉमास। नेक्स्ट है 23,30,010, 23 लाख, तो 23 लिख दिया हमने, उसके बाद क्या बोल दिया, 30,000, तो हमने क्या लिखा, 30 लिखा, 10। अब 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 100 प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0, और उसके बाद क्या लिखा, 10। अब हमारे पास लाख और 1000 लाख में आ रखा है, तो इट मीन्स कौन सा सिस्टम है हमारे पास, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 के बाद कॉमास, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको, इंसर्ट कॉमास टेबल एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमास लगाने हैं और उसको इंडियन सिस्टम में नोट करना है। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है डिजिट 8,7,5,9,5,7,6,2। अब हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमने कॉमास लगाए पहले, 1, 2, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम इसको कैसे नोट करते हैं, कैसे नोट करते थे, ये हमारे पास 100 प्लेस था, ये हमारे पास 1000 है, ये हमारे पास लाख है, लाख के बाद क्या आता है, करोड़, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 करोड़, 75 लाख, 95,000 एंड 762, इसको हम नोट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारे पास दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने पहले कॉमास लगाए, 3 के बाद कॉमास, फिर 2 के बाद कॉमास, फिर 2 के बाद। अब हम इसको नोट करेंगे, ये हमारे पास 100 प्लेस है, ये हमारे पास 1000 हो गया, ये हमारे पास लाख हो गया, तो क्या आया, 85,46,283। नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें भी 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ये हमारे पास क्या आ गया, 100 प्लेस, ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया, और ये करोड़, तो क्या लिखेंगे, 9,99,00,000। अब इन पे कुछ नहीं है तो एजिट ही छोड़ देंगे, 46। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ डिजिट होते तो 1000 में लिख देते, अदरवाइज हम 1000 प्लेस पे कुछ नहीं देखा तो क्या लिखेंगे, 0 थी, इसलिए हमने क्या लिख दिया, एजिट इज 46। 9,84,327,01, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1, 100 प्लेस आ गया, ये 1000 आ गया, ये हमारे पास लाख आ गया, और ये करोड़, क्या लिखेंगे, 9,84,32,700
701, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट कॉमास एंड राइट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम में हमें क्या दिया होता है कि 3 के बाद कॉमास होते हैं हमारे पास, 1, 2, 3 कॉमा, फिर 1, 2, 3 कॉमा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 100 प्लेस होता है या यूनिट पीरियड होता है, उसके बाद हमारे पास ये क्या आता है, 1000 होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, मिलियन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 78,921,092 78,921,092, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर हमने 3-3 पे कॉमास नोट किए, ये हमारे पास हो गया 100 प्लेस, ये हमारे पास आ गया 1000, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिलियन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 7,452,483, इस तरह से हम इसको नोट करेंगे नंबर्स में। नेक्स्ट है, अब 3 के बाद कॉमास नोट किए हमने, कॉमास के बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 100 हो गया, ये हमारे पास 1000 हो गया, ये हमारे पास है मिलियन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 99,985,102, ठीक है, 99,985,102। लास्ट है हमारे पास 48,049, पहले 3 के बाद हमने कॉमास नोट किए, उसके बाद हमारे पास ये 100 प्लेस है, ये 1000 है, और ये मिलियन। अब 48,049,831, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, थैंक यू।